हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, जून एग्जामिनेशन आपके जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे में बहुत से स्टूडेंट्स अभी तक अपने असाइनमेंट्स को सबमिट नहीं करा पाए हैं, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने जून एग्जामिनेशन के लिए अपने असाइनमेंट्स को सबमिट नहीं कराया तो क्या आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं, आप एग्जामिनेशन में अपियर कर पाएंगे या नहीं। इस क्वेरी को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। मेक श्योर आप वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को रहेगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या बिना असाइनमेंट सबमिट किए आप इग्नू एग्जाम्स में अपियर कर सकते हैं या नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका सिंपल आंसर है, आप जरूर अपियर कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तब आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन नजर आता है जहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने अपने असाइनमेंट को सबमिट किया है या नहीं। उसमें सिर्फ आपको येस का ऑप्शन दिया गया है, आप उसे प्रोसीड करते हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिलअप हो जाता है। चाहे आपने असाइनमेंट अभी तक बनाए भी नहीं है, सबमिट भी नहीं कराए हैं, बट फिर भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर पाए। फ्रेंड्स, आपको एग्जामिनेशन में जरूर अपियर करने दिया जाएगा बट आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने जरूर हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अगर आप एग्जामिनेशन में अपियर कर जाएंगे और आप अपने थ्योरी एग्जाम में भी पास हो जाएंगे तो आपको अपने असाइनमेंट्स को नहीं बनाना। आपको अपने असाइनमेंट्स बनाने हैं। इग्नू की तरफ से आपको बताया गया है कि आपको अपने असाइनमेंट्स एग्जाम से पहले ही बनाकर सबमिट कराने हैं, जैसे कि 31 मई तक आपको समय भी दिया गया था, बट आप दिए गए टाइम पीरियड में आप अपने असाइनमेंट्स को नहीं बना पाए या नहीं सबमिट करा पाए किसी भी रीजन से। आपको फ्रेंड्स अब नेक्स्ट सेशन में, जी हाँ फ्रेंड्स, दिसंबर 2024 सेशन में अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कराना है। अगर आप अपने असाइनमेंट को सबमिट नहीं कराते तो आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं होगा। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें, आप इग्नू में अपना प्रोग्राम पास नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपके असाइनमेंट्स आपके प्रोग्राम की 30% वेटेज कैरी करते हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम को इजीली कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप जरूर अपने असाइनमेंट्स को बनाइए और सबमिट कराइए। अगर आपको असाइनमेंट्स बनाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से आप अपने असाइनमेंट्स नहीं बना पाए, तो आप रेफरेंस ले सकते हैं gulibaba.com में। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मेन्यू बार में सॉल्व असाइनमेंट का ऑप्शन नजर आ जाएगा। आप यहाँ से रेफरेंस लेकर अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं और आने वाले समय में दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए जब असाइनमेंट सबमिशन होगा तब आप अपने असाइनमेंट्स को जरूर सबमिट कराएं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत ही नजदीक आ गए हैं और 7 जून से ही आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट है, फ्रेंड्स आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट चुके हैं, बट अगर अभी तक आपको समय नहीं मिला या फिर आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही, फ्रेंड्स आई वुड सजेस्ट कि आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो में मैंने सभी ट्रिक्स आपके साथ शेयर की हैं एंड आई एम होपिंग कि वो आपको जरूर हेल्प करेगी। और प्रिपरेशन के लिए फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी gulibaba.com से आप हेल्प बुक परचेज कर सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर। यहाँ पर मेन्यू बार पर क्लिक करने से आपके सामने सभी डिग्री प्रोग्राम्स के नेम ओपन हो जाएंगे और आप अपनी बुक चूज कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, gulibaba की बुक्स में आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, गेस्ट पेपर भी इंक्लूडेड मिलते हैं, आप इजिली अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो आपकी क्वेरी थी फ्रेंड्स रिगार्डिंग असाइनमेंट की, क्या असाइनमेंट सबमिट किए बिना हम अपने एग्जाम्स दे पाएंगे या नहीं, फ्रेंड्स आप डेफिनेटली एग्जाम्स दे पाएंगे। आपसे कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन रेज नहीं करता कि क्या आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं या नहीं, बट आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, अदरवाइज आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं होगा। आपका थ्योरी एग्जाम के मार्क्स जरूर अपडेट हो जाएंगे बट आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं होगा। अपने असाइनमेंट्स को जरूर बनाइएगा और सबमिट कराइएगा। नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।